का कहर, बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीन भाइयों को दबंग गोली मारकर फरार हो गए। मामला जनपद एटा के थाना बागवाल क्षेत्र के गांव अचलपुर का है, जहां बाग में लकड़ी और कंडे बीनने गई दो बहनों के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। बहनों से छेड़छाड़ और मारपीट की सूचना पर पहुंचे तीन भाइयों पर भी दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल तीनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दबंग आरोपी अचलपुर गांव के बताए जा रहे हैं, जबकि पीड़िता किशोरी और घायल तीनों भाई अन्य दूसरे गांव के रहने वाले हैं। पता लगाएंगे क्या घटना हुई है। मेरे साथ बदतमीज करी और मुझे मारा भी, और मैंने अपने भाई को बुलाया था तो उन्हों के साथ भी बदतमीज, उन्होंने गोली मारी थी और सबके तीनों के लगी है उनके। कहाँ के लोग थे ये? अचलपुर के थे। कितने लोग थे वो? तीन थे, मुझे मार रहे थे। मरने आए? हाँ। के बात क्या थी? बात क्या, मैं कंडे भी नहीं थी, मतलब बैठी थी, मेरी दीदी लकड़ी भी नहीं थी, इसी की बात में आके वो मुझे मारने लगा। कोई बात हुई थी क्या पहले? हाँ, वो बदतमीजी, मतलब गाली दे रहा था, इसीलिए मैं कुछ उससे बोली थी क्यों दे रहा है, इसीलिए वो आए तो बस इतने में ही कर लग रहा। भाई बचाने गए तो उन्होंने तीनों घायल थे, दो तीन उन्होंने सबकी गोली लगी उनको। कहाँ के लोग थे ये मारने वाले? अच्छा, मेरी बहन गई थी कंडा बीनने जी, उन्होंने वहाँ पर छेड़खानी की, मेरी बहनों को दो को मारा जी। उन्होंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, मैं गए, तीन भाई गए, उन्होंने खेत पे भाग गए, घर पर भागे, वहाँ पहुँचे, उनसे बात की, मेरी बात कर लो, उनने लगा लिया तमंचा जी, उनने नीचे उतर गया छत पर तो उनने मार दी गोली। हम तीनों भाई, दोनों भाई को लौट आर के ला रहे हैं, उन्हें तमंचा मार दिया पीछे से, तमंचा मार के उन्होंने लाठी मारी, फिर भी भाग गए, फिर मैं सब तीन चले आए। आपकी तरफ से कितने लोगों को गोली लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं? तीन लोग। तीन लोग? हाँ। तीनों पे गोली लगी है? तीनों में गोली लगी। कहाँ के लोग थे जो लोग मारपीट कर रहे हैं? अचलपुर के। आपकी बहन कहाँ गई थी? हमारे खेतों पर, वहीं नाला, उनका खेत, हमारा खेत, सब एक बराबर में पड़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने फिर थाने में कोई तहरीर दी है? हाँ, दे दी थाने में। थाना बागवाला क्षेत्र में लकड़ियाँ बीनने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है सर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई सर? थाना बागवाला में दो गाँव हैं, पड़ोसी गाँव है, किलरमऊ है और उसके बगल में अचलपुर गाँव है। किरामऊ की दो लड़कियाँ अचलपुर के एक छोटा सा बाग था, वहाँ पर लकड़ी बीनने के लिए गई थी, और जिसका बाग है वो जब लकड़ी बीन रही थी तो वहाँ उनके लड़के बाग में आ गए, उन्होंने से विरोध किया कि बिना हमारे पूछे लकड़ियाँ आप कैसे यहाँ से बीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी बात पर लड़कियों में कहासुनी हुई, लड़कों ने जो है लड़कियों के साथ मारपीट कर दी और उनकी लकड़ियाँ वहीं फैला दी। इस घटना के बाद दोनों लड़कियाँ जो कि अपने वापस अपने घर पहुँचती हैं और अपने भाइयों से बताती हैं घटना के बारे में, तो उनके तीनों भाई लड़कियों के अचलपुर गांव पहुंचते हैं आरोपियों के घर पर, फिर वहां दोनों पक्षों में घासुनी होती है। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष में से एक लड़का छत पर चढ़ गया, उसके द्वारा 12 गोले तमंचे से फायर कर दिया, जिससे कुछ छत तीनों लड़कों को लगे हैं। सूचना पुलिस मौके पर जाकर के तीनों लड़कों को जिला अस्पताल ले गई थी, वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई, वो घर आ गए हैं और FIR दर्ज करते हुए, स्वसंग्रह धारा FIR दर्ज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रही की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।